स्वागत है आप सभी का मेरे मेरे साथ अपने चैनल पे जिसका नाम है इंग्लिश so आज बच्चों हम लोग करने वाले हैं लेटर टू गॉड अभी क्यों कर रहे हैं हम लोग है ना वो तो अब तो बहुत टाइम हो गया है क्योंकि यार दो रीजन है बहुत ही ऑनेस्ट एक कि मैंने अपना वाई टी चैनल अभी अभी खोला है और दूसरा आप बच्चों ने बोला मैम शुरू से पढ़ाना तो आपको वन शॉट वीडियो शुरू से अब चैप्टर नंबर वन लेटर टू गॉड है इसलिए लेटर टू गॉड से आना शुरू हो जाएगा ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है भले ही अगर आपने चैप्टर पढ़ भी लिया है तो भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है पहले तो मैं बता दूं जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ ये वीडियो हिंदी माध्यम इंग्लिश माध्यम दोनों ही बच्चों के लिए है यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड सी सी आरबीएसई सी सबके लिए है ठीक है दूसरी चीज अगर आप ये चैप्टर पढ़ भी चुके हो तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि मेरे वन शॉर्ट आम वन शॉर्ट की तरह नहीं होने वाले हैं मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको पढ़ाऊंगी नंबर वन दूसरा जो एनसीईआरटी के बीच बीच में जो क्वेश्चंस होंगे जो बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं वो आपको बताती हुई चलूंगी नंबर टू जो शायद ही किसी और वन शॉर्ट वीडियो में आपको मिलेगा नंबर थ्री कि मैं आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स भी कराऊंगी ताकि आप लोग याद कर लो नंबर फोर इस क्लास के बाद मैं ये जो पीपीटी है ये जो स्लाइड है वो आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगी और टेलीग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीक है टेलीग्राम का लिंक तो वहां से आपको ये बिल्कुल फ्री मिल जाएगी तो आप लोग याद कर सकते हो क्वेश्चन आंसर ठीक है बच्चों तो बिना किसी देरी तरीके और शुरू करते हैं बहुत ही क्रिस्प रखेंगे वन शॉर्ट को चैप्टर का नाम है बच्चों लेटर टू गॉड ठीक है बहुत ही बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ऑथर का नाम है जीएल ठीक है आपको मतलब अच्छा होता है टेंथ क्लास में अगर आपको ऑथर का नाम याद है इट्स अ गुड थिंग सो so, आपको याद रखना है कि जीएल जीएलतीस ने इस चैप्टर को लिखा है मेक्सिकन नॉवलिस्ट पोएट और जर्नलिस्ट रह चुके हैं एंड ही ही स्टार्टेड राइटिंग एट द द एज ऑफ 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 एंड वाज वन ग्रेटेस्ट राइटर्स दैट टाइम अगर आप जीएल हीस याद रखते हैं काफी है चलो जी आगे आ जाओ सो so, अभी यहाँ पर ये यह जो पूरी की पूरी कहानी है बच्चों इसमें है क्या इसमें है कि अटूट विश्वास दिखाया गया है ठीक है बोला गया है कि अगर आपकी श्रद्धा है ना तो यू कैन मूव माउंटेन्स

ठीक है अगर मैं बोलूँ कि कभी वो लेटर आप पोस्ट ऑफिस लेकर गए वो मेल कर नहीं। तो भगवान है बट लेंचो, लेंचो कौन एक फार्मर है ये जो पूरी कहानी है, ये उसी फार्मर है लेंचो के ऊपर है जिसको बच्चों ये भरोसा है ये विश्वास है कि हाँ भाई भगवान है और वो मेरे लेटर का रिप्लाई करेंगे अब क्या हुआ क्यों लेटर लिखा कैसे हुआ ये सब हम इस कहानी के अंदर देखने वाले ठीक है समझ में आया चलो अब लेंचो का लेटर भगवान तक पहुंचा के नहीं भगवान ने जो उसने पैसे मांगे थे भेजे के नहीं ये सब क्या होगा कैसे होगा होगा भी के नहीं हम कहानी में देखेंगे सो यहां से हमारी जो स्टोरी है वो शुरू हो रही है एनसीआर लाइन बाय लाइन में आपको पढ़ा रही हूं समरी क्यों नहीं दे रही क्योंकि वो देने का पॉइंट नहीं है समरी आपके पेपर में नहीं आएगा अगर आप कोई समरी वाली वीडियो देख भी रहे हो तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो राइट क्योंकि समरी मतलब सिर्फ कहानी बता देना और एनसीआर को लाइन बाय लाइन पढ़ना मतलब कि जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो दिमाग में लेते हुए पढ़ना और हाँ इस लेक्चर के बाद आपको दोबारा एनसीआर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम एक एक चीज कवर करेंगे ठीक है गाइस चलो शुरू करते हैं द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली वैली क्या होता है घाटी और द क्यू लगाए हाउस के आगे क्योंकि वो ओनली द मतलब स्पेसिफिक एक एक ही घर था पूरी घाटी में एक लौता घर था पूरी घाटी में कहां पर था क्रेस्ट मतलब क्या होता है बेटा टॉप क्रेस्ट का मतलब क्या होता है टॉप ठीक है बिल्कुल ऊंचाई पर आप लोग बोल सकते हो सो भाई बिल्कुल टॉप पर था टॉप ऑफ अ लो हिल अब इसका क्या मतलब होता है मैम टॉप ऑफ अ लो हिल मतलब नीची हाइट की पहाड़ी जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो है ना यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा तो नीची हाइट की पहाड़ी को लो हिल और क्रेस्ट मतलब टॉप तो नीचे हाइट की पहाड़ी पे जो टॉप एरिया है यहां पर क्या था लंचो का घर था ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में वन मार्कर में पूछ लिया जाता है लंचो का घर कहां था तो आप लोग लिख सकते हो अंदर क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल ठीक है चलो अब यहां से तो अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो आपको रिवर भी दिखेगा आपको फील्ड्स भी दिखेंगी ये क्वेश्चन अब इंपॉर्टेंट है कि फील्ड किस चीज की थी ये आप लोगों को याद रखना है फील्ड थी राइट कॉर्न कौन पता है ना भुट्टे जो यहाँ पर आप फोटो में भी देख सकते हो इस चीज की लेंचो की फील्ड थी सो तो एक किसान था उसका घर था घाटी में ठीक है क्रेस्ट ऑफ़ अ लो हिल पे घर था यानी कि टॉप पे एकदम घर था उसका नीचे घाटी पे एंड उसकी फील्ड थी फील्ड किस चीज की थी कौन की थी डॉटेड विथ फ्लास्क गुड हार्वेस्ट है ना अब भाई जाहिर सी बात किसान है मेहनत करेगा अच्छा उसको फायदा मिलेगा राइट अच्छा उसका क्रॉप होंगे उसी को वो जाके वो पैसे लाएगा ठीक है द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपॉर डाउनपॉर मतलब क्या होता है रेन बारिश अब बच्चों आपको पता ही है कि अगर आप किसी भी चीज को उगा रहे हो ना अगर आप यू नो आपके फील्ड में है तो आपको रेनफॉल की बहुत ज्यादा जरूरत है पानी की बारिश की तो अभी लंचों के लिए सब अच्छा हो रहा था ये बताया जा रहा है उसकी जो फील्ड थी जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो काफी अच्छी थी उसे केवल एक चीज की जरूरत थी वो चीज क्या थी वो थी बारिश ठीक है रेनफॉल और एटलीस्ट शार अब चलो भैया बारिश नहीं हो रही तो एटलीस्ट शार मतलब लेस क्वांटिटी ऑफ रेन थोड़ी कम ही थोड़ी कम ही बारिश हो जाए अगर अच्छे से बारिश नहीं हो रही तो बट उसे केवल एक ही चीज का इंतजार था बहुत बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है और वो चीज क्या थी रेनफॉल अब क्या होता है एक सुबह लेंचो क्या करता है जो अपनी को बहुत अच्छे से इंटीमेटली क्या होता है बहुत ही अच्छे से कंप्लीटली तो फील्ड को बहुत अच्छे से जानता है और एक सुबह वो क्या करता है अपना सारा काम काज छोड़कर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखने लगता है, जाता है ना नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा है ये क्वेश्चन वन मार्कर में आ जाता है बच्चों है ना हर एक लाइन से मैं आपको बता रही हूं कहां से क्वेश्चन आता है तो आप लोग भी अपनी बुक्स में अंडरलाइन करते चलो ठीक है मैं दोबारा बोल रही हूँ अगर आप ये चैप्टर पढ़ भी चुके हो तो भी एक बार ये लेक्चर देख लो बिकॉज आप बहुत सारी नई चीजें सीखोगे सो so, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वो देखता है क्यों देखता है क्योंकि उसे लगता है कि भाई आज बरसात होगी वो बोलता है वुमेन मतलब अपनी वाइफ को बोलता है कि भाई आज देख लेना आज मुझे बादल नजर आ रहे हैं आज डेफिनेटली बारिश होगी अब आगे देखो अब जो उसकी बीवी होती है वो क्या कर रही होती है सपर मतलब डिनर प्रिपेयर कर रही होती है ठीक है मतलब रात के खाने की तैयारी कर रही होती है और वो बोलती है कि हाँ हाँ गॉडविलिंग मतलब भगवान ने चाहा तो ऑफकोर्स होगी ठीक है अब जो लेंचो के बड़े बेटे होते हैं बच्चों वो फील्ड में काम कर रहे होते हैं जो छोटे बेटे होते हैं वो घर के आसपास खेल रहे होते हैं और इतने में ही थोड़ी देर बाद ही ये जो वुमेन है यानी कि जो लेंचो की बीवी है वो सबको आवाज देती है कि सब लोग आ जाओ और खाना खा लो बच्चों सो जैसे ने प्रेडिक, प्रेडिक लगाया होता है। ने पहले ही अनुमान लगाया होता है पहले ही बता दिया होता है कि आज तो बारिश आएगी तो बच्चों वैसे, जैसे ने अनुमान लगाया होता है बिल्कुल वैसे बारिश आना शुरू हो जाती है ना बड़ी बड़ी बूंद जो होती है वो गिरने लगती है इन द नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से ही बच्चों क्या होता है बड़े बड़े ठीक है मतलब बड़े बड़े जो बादल हैं वो उसे दिखने लगते हैं अप्रोचिंग मतलब कमिंग आते हुए तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से बड़े बड़े बादल आते हुए उसे दिखने लगते हैं एयर बहुत ही ज्यादा फ्रेश और स्वीट होती है तो अब तो अभी तक तो सब अच्छा हो रहा है है ना जैसे उसने अनुमान लगाया था बच्चों बारिश भी हो रही है बट क्लाइमेक्स अभी बाकी है ठीक है अब भी ट्विस्ट आएगा क्या आएगा द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर अब लेंचो भैया बहुत खुश हो जाता है और वो क्या करता है बाहर जाता है किस लिए बाहर जाता है उसके पास कोई और कारण नहीं होता वो बाहर जाता है केवल प्लेजर के लिए प्लेजर मतलब जॉय हैप्पीनेस के लिए है खुश हो जाता है रेन को फील करना चाहता है अपनी बॉडी पे कि फाइनली रेन आ गई उसके लिए वो बाहर जाता है और जब वो वापस आता है तो वो एक्सक्लेम्ड मतलब एकदम से चौक जाता है और खुशी से चौक के क्या बोलते हैं ध्यान दीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स ठीक है? क्या बोलता है वो बोलता है भाई ध्यान दो, ठीक है? कि ये रेनड्रॉप नहीं है अब question क्या पूछ लिया जाता है है कि जो लेंचो है, वो रेनड्रॉप को क्या बोलता है वो रेनड्रॉप्स को किससे कंपेयर करता है है ना वो रेनड्रॉप्स की जो तुलना है वो किसके साथ करता है ये आप लोगों से पूछ लिया जाता है ठीक है तो आप क्या बोलोगे वो बोलता है उन्हें न्यू क्विंस क्या बोलता है न्यू क्विंस बड़ी ड्रॉप्स को बोलता है टेन सेंट सेंट एक करेंसी होती है लेटिन अमेरिका साइड की बात चल रही है ये तो सेंट जैसे हमारे यहाँ पैसा होता है ना बिल्कुल वैसी छोटी करेंसी ठीक है सो so, टेन सेंट बोलता है बड़ी ड्रॉप्स को और जो छोटी ड्रॉप्स होती है उसे फाइव सेंट बोलता है तो आप लोगों को क्या क्या चीजें याद रखनी है आप लोगों को याद रखना है कि लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को क्या बोला न्यू क्वेंस न्यू क्वेंस बड़ी ड्रॉप्स को क्या बोला टेन सेंट और छोटी ड्रॉप्स को क्या बोला कमेंट में लिखकर बताओ फटाफट -फड़ से ठीक है फाइव से चलो आगे चलो अब वो बहुत ज्यादा बच्चों संतुष्ट दिख रहा होता है बहुत ज्यादा सैटिस्फाइड लग रहा होता है तो वो क्या करता है रिगार्डेड मतलब देखता है अपनी फील्ड की तरफ है ना वो जो भुट्टे होते हैं जो कॉर्न होते हैं उनकी तरफ देखता है और ड्रेप्ड तो मतलब क्या होता है बच्चों कवर होना ढके होना कि भाई उनपे किस तरीके से पानी गिर रहा है हर जगह बारिश हो रही है मेरी फील्ड तो बहुत अच्छा कर रही है बस बच्चों उसकी खुशी यहीं तक थी अब आगे क्या हुआ सडनली आउट ऑफ नो वेर बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विदार्ज हेल स्टोन हेल स्टोन क्या होते हैं ओले ठीक है बोल रहे एकदम से बच्चों बहुत तेज हवाएं चलने लग गई ठीक है बारिश होने लग गई बहुत तेज और बारिश के साथ साथ हेल यानी कि ओले भी गिरने लग गए अब यहां पर बच्चे अपने नंबर लूज कराते हैं कैसे उसने आ, ओलो को क्या बोला कभी खाए आपने हेलस्टोन्स खाए वाइट वाइट कलर के छोटे-छोटे से होते हैं ना तो उनको क्या बोलते हैं वो न्यू सिल्वर कॉइंस अब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उसने रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइंस बोला होता है और हेलस्टोन को न्यू सिल्वर कॉइन तो इसे आप नहीं तो लिख लो ठीक है बहुत

ठीक है वो क्या कर रहे हैं बारिश में जा रहे हैं और फ्रोजन पर्ल्स मतलब वही ओलो को कलेक्ट करने जा रहे हैं क्योंकि बच्चों को तो शौक होता है अब क्या होता है भाई बहुत देर तक बच्चों ओले गिरते रहते हैं गिरते रहते हैं तूफान बढ़ता रहता है उसे लगता है चलो थोड़ी देर का तूफान है भैया आया है चला जाएगा बट ऐसा नहीं होता ठीक है ऐसा नहीं होता इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सप्लेन द मैन अब लंचो को बच्चों टेंशन होने लगती है और वो बोलता है कि अब चीजें बद से बदतर हो रही है अब बहुत ही ज्यादा वेदर बुरा हो रहा है I hope it passes quickly. अब बेचारा बोलता है कि भाई बस जल्दी से किसी तरीके से खत्म हो जाए बारिश इट डिड नॉट पास बट ऐसा नहीं हुआ एक घंटे तक बरसात होती रही एक घंटे एक घंटे तक ओले गिरते रहे गार्डन पे गिरे हाउस में हिल साइड कॉर्न फील्ड पूरी की पूरी घाटी में ओले ओले हो गए अब पूरी जो उसकी फील्ड थी है ना जो हमने फोटो देखी थी पहले अगर आप यहाँ पर देखो ये फील्ड है ना एंड ये अब ये जो पूरी फील्ड थी इस पे ओले गिर गए यानी कि पूरा व्हाइट 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 हो गया अब ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों ठीक है क्या क्वेश्चन आएगा देखो द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड सॉल्ट ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है पूछ लिया जाता है कि भाई जब हेल स्टोन गिर गए तो उसने फील्ड को किस तरीके से प्रेजेंट किया क्या बोला ठीक है तो आप बोल सकते हो कि भाई फील्ड ऐसी लग रही थी एज इफ इट वॉज कवर्ड विथ सॉल्ट जैसे किसी ने नमक बिखेर दिया और नमक भी व्हाइट होता है ओले भी व्हाइट थे तो पूरी फील्ड पे ओले ओले हो गए तो व्हाइट व्हाइट दिख रहा था तो इसलिए बोला गया ऐसा ऐसा लग रहा था कि किसी ने नमक भी खेल दिया बची बच्चों पेड़ के ऊपर और जो उसकी कौन थे, जो फील्ड थे, जो उसकी थे थे फील्ड उसने इतनी मेहनत करी थी अपनी जमीन पे वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया खत्म हो गया द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स लेंचो सोल फिल्ड विद सैडनेस वही लेंचो जो अभी तक बहुत खुश था बच्चो वही लेंचो बहुत ज्यादा उदास हो गया बहुत ज्यादा सैड हो गया अब जब तूफान गया वो अपनी फील्ड के बीचों बीच खड़ा हो गया ऐसे और अपने बेटों को बोलने लगा क्या बोला अब ये लाइन भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं बार बार ये लाइन आपको क्यों बता रही हूँ क्योंकि हर टीचर आपको बोलते हैं एनसीआर पढ़ लो बट एनसीआरटी में से कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है ये बहुत कम लोग बताते हैं तो अगर आप अभी इसे ध्यान से देख लोगे तो आपको दोबारा एनसीआरटी खोल के बैठ के पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है अगर आप अभी देख रहे हैं। so यहाँ पे वो बीच खड़ा हो गया और क्या बोल रहा है ठीक मतलब मतलब है, को खा जाते है। तो वो बोलता है भाई अगर इन कीड़ों का झुंड भी आया होता ना तो वो भी हमारे लिए इससे ज्यादा छोड़ जाते वुड लेफ्ट मोर देन दिस मोर देन दिस मतलब ये इन्होंने तो पूरा ही खाली कर दिया एटलीस्ट कीड़े हमारे लिए कुछ तो छोड़ जाते बेचने के लिए बट जो जितना नुकसान इन इनस्टोन इन ओलो ने किया है उतना नुकसान तो कीड़ों ने भी नहीं किया था इस साल हमारे पास कौन नहीं है हमारे पास कुछ भी नहीं है दैट नाइट वॉज उसकी बहुत ही ज्यादा बेकार भी थी ऑब्वियसली यार अब आदमी आप सोचो एक किसान इतनी मेहनत करता है खाना उसके पास कुछ नहीं बचा वो रात भर उसी टेंशन में है कि मैं अपनी फैमिली को एक साल कैसे पालूंगा राइट ऑल आर वर्क फॉर नथिंग जैसे हम लोग यार एग्जाम्स के लिए बहुत मेहनत करते हैं राइट right. हम लोग तो क्या करते हैं अपने एग्जाम्स के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं पढ़ते हैं और फिर अगर हमारे एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आते तो हम बोलते हैं अब यार इतनी मेहनत करने का क्या फायदा सब तो बेकार ही हो गया बोलते हैं ना ऐसा तो उसे भी वैसा ही फील हो रहा था देर इज नो वन कैन हेल्प अस वी ऑल गो हंग्री दिस हंग्रेज उसके दिमाग में चल रहा था यार कोई भी नहीं है जो हमारी यू you नो know, इस साल मदद कर दे और हम सब तो भूखे ही मर जाएंगे बट इन द दर्ट्स ऑफ ऑल इन दैट हाउस हुई मतलब अकेला अलोन ओनली वन क्या बोला जा रहा है उस घर में उस अकेले घर में क्योंकि हमने चैप्टर की शुरुआत में हम सब ऐसी जब हम परेशान होते हैं भगवान के पास जाते हैं कि मेरा भगवान देख लेगा मेरा भगवान मुझे बचा लेगा इस टाइप का विश्वास है हमें भगवान के ऊपर है ना तो उनके मन में भी था भगवान हमारा बचाएगा Don't be so upset even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That's what they say. No one dies of hunger. तो so, वो क्या बोल रहे हैं कि भाई ठीक है पूरा हमारा लॉस हो गया बट इतना अपसेट मत हो हमारा भगवान हमारी मदद करेगा कोई किसी को भी भगवान भूखा नहीं मारता है राइट तो वो ऐसे करके एक दूसरे को हौसला दे रहे हैं पूरी रात लेंचो ने केवल अपने उसी होप के बारे में सोचा केवल भगवान के बारे में सोचा कि कैसे मैं यू you नो know, भगवान से कांटेक्ट कर पाऊं बताया जाता है ना कि भगवान सब देख रहा है भगवान जो तुम्हारे दिल में है वो भी देख रहा है राइट तो यहाँ पर वही लिखा है कि सी एवरीथिंग इवन वट इज डीप इन वन कंसर्स यानी कि एक के दिलों दिमाग में क्या है भगवान को वो भी पता है सो so, लेंचो केवल उन्हीं के बारे में सोच रहा है

उसे तब भी पता था कैसे लिखना है ठीक है तो अब उसने क्या किया संडे को डे ब्रेक मतलब मॉर्निंग में सुबह सुबह ही वो बैठ गया अपना लेटर लिखने के लिए जो उसने सोचा था कि मैं खुद शहर जाऊंगा और वो लेटर में पोस्ट करके आऊंगा और लेटर उसने किसको लिखा इट वॉज न लेटर टू गॉड बच्चो और यहाँ पर हमारा इंटरवल है है ना कि भैया उसने भगवान को लेटर लिखा वो भगवान को लेटर लिखने बैठ गया अब ठीक है हम लोग मंदिर जाते हैं प्रे करते हैं हमें लगता है हमारा भगवान हमारी मदद करेगा बट बच्चों

and to live until the crop comes because the hail crop... यहाँ क्या लिखा उसने लिखा भगवान अगर आपने मेरी मदद नहीं करी तो मैं मेरा परिवार हम सब इस साल भूखे ही रह जाएंगे मुझे कितने पैसों की जरूरत है हंड्रेड पैसों उसकी मुझे जरूरत है ताकि मैं क्या कर सकूं अपने खेत को दोबारा बो सकूं ठीक है और जब तक फसल नहीं आती तब तक मैं ना गुजारा कर सकूं और फिर उसने लिखा क्योंकि तूफान और फिर उसने डॉट डाल दी मतलब आगे उसने कंटिन्यू किया तो ये सारी बात उसने भगवान को बताई और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि उसने लेटर में क्या मांगा भगवान से तो क्या मांगा बच्चों उसने हंड्रेड पैसो सौ पैसोस मांगे पैसोज क्या है करेंसी है अगेन ठीक है बच्चों और उसने एनवलप यानी कि वो लिफाफे के ऊपर टू गॉड लिख दिया कोई एड्रेस नहीं कुछ नहीं बस टू गॉड ठीक है ये लिख दिया उसने अंदर उसने अपना लेटर डाला एंड स्टिल ट्रबल्ड अभी भी वो बहुत टेंशन में था भगवान को लेटर लिखने के बाद भी बच्चों बहुत ज्यादा टेंशन में था वो शहर चला गया अब जब वो पोस्ट ऑफिस पहुंचा तो उसने स्टैम्प लगाया ठीक है लेटर पे और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया ऐसे ही हम लेटर पोस्ट करते हैं ना कहीं भी जाते हैं पहले हम पर्ची में लेटर लिखते हैं फिर उसे लिफाफे में एनवेलप में डालते हैं जब किसी की शादी में जाते हो पैसे देते हो कैसे देते हो लिफाफे में देते हो ना में में डाल के के तो उस टाइप हम लोग लेटर डालते हैं उस एड्रेस लिखते हैं स्टैंप लगाते हैं हैं पोस्ट करते इसने एड्रेस के नाम पे खाली टू गॉड लिख दिया कि भगवान तक पहुंचा दो मेरा लेटर अब आगे क्या हुआ वन ऑफ दॉज अब एक जो कर्मचारी था वही पोस्ट ऑफिस का पोस्टमैन बोल लो ठीक है तो वो आया एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस अब वो क्या करता है वो आया उसने चिट्ठी देखी तेज तेज की हंसने लगा लाफिंग हार्टली मतलब दिल से लगा, दिल से से लगा खुले और वो चिट्ठी कहाँ लेकर गया अपने के के पास पोस्ट के पास ठीक है वो जो चिट्ठी है वो लेकर गया एंड उसने दिखाया कि देखो देखो भगवान को लेटर लिखा है पोस्टमैन है भैया आज तक इतने साल हो गए मुझे पोस्टमैन की नौकरी करते करते पर आज तक मैं ना ये एड्रेस नहीं जान पाया कि ये जो इसने यहाँ पर ऐसे टू गॉड लिख दिया ये किस एड्रेस डाल के आनी है तो बहुत हसा अपने पोस्ट के पास ले गया उसको दिखाया। अब पोस्ट आ आम्येबल. आम्येबल क्या होता है? फ्रेंडली, फ्रेंडली जॉली टाइप का आदमी तो so, पोस्टमास्टर भैया मोटा बहुत ही हसमुख किस्म का आदमी था वो भी तेज तेज की हंसने लग गया बट ऑलमोस्ट इमीजिएटली

बोल रहा है कमाल की श्रद्धा आदमी की विश्वास देखकर हिल गया वो ठीक है आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर बोलता है काश मेरा भी भगवान के प्रति ये जो श्रद्धा है जो विश्वास है इतना ही होता जितना इस आदमी का है जिसने भी ये लेटर लिखा है स्टार्टिंग अप अ कोरेस्पोंडेंस विद गॉड कहने का क्या मतलब है बेसिकली कि यहां पर लेंचो का जो अटूट विश्वास था कि वो भगवान के साथ इतना विश्वास है कि वो भगवान के साथ एक कम्युनिकेशन बिठाना चाह रहा है है ना बातचीत करना चाह रहा है तो पोस्ट मास्टर होता तो इसलिए वो एकदम से सीरियस हो गया गंभीर हो गया इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर आंसर द लेटर वो बोलता है देखो ये तो हमें पता नहीं है किस एड्रेस uh, पे मैं ये भेजू है ना तो मैं क्या कर सकता हूँ इसका जवाब दे सकता हूँ ताकि जिसने भी पत्र लिखा है उसका फेथ ना डगमगाए क्योंकि ऑब्वियसली भगवान खुद तो नहीं आएंगे ना भगवान तो किसी ना किसी के अवतार में ही आते हैं राइट वो वाली कहानी सबने सुनी होगी ना मैंने बहुत बार सुनाई है कि ये एक आदमी डूब रहा होता है ठीक है और बोट जा रही होती है तो बोलता है आजा भाई आजा तो बोलते हैं नहीं नहीं तू जा मेरा भगवान मुझे बचाएगा ठीक है फिर बोट आती है फिर वो बोलते हैं अभी है, जा ना मेरा भगवान मुझे बचाएगा भाई फिर बोट आती है नहीं भगवान बचाएगा मुझे मर जाता है एट दी एंड ऊपर जाता है बोलता है भगवान बचाए क्यों नहीं आपने? भगवान बोलते है वो जो तीन मदद करेंगे तो मैं ही इसकी मदद कर देता हूँ अब उसे तो पता नहीं था कि उसने लेटर के अंदर क्या मांगा है उसे तो लगा सिर्फ उसने चिट्ठी लिखी है और मैं भगवान बन के चिट्ठी लिख देता हूँ है ना तो उसे उसका जो विश्वास है भगवान के प्रति वो नहीं टूटेगा फिर उसने उसे खोला एंड इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट इट नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक हैंड पेपर कहने का क्या मतलब है उसने लेटर खोला एविडेंट मतलब लेटर खोलते ही साफ था ये प्रकट हो रहा था कि अगर उसको वो उस पत्र का जवाब देना है तो उसे ना गुडविल मतलब ये जो दया भाव है उसका है ना उससे कुछ ज्यादा चाहिए उसे पेन और पेपर से कुछ ज्यादा चाहिए और वो ज्यादा क्या है पैसे क्योंकि उसने क्या मांगे थे 100 पे है ना कि भाई ठीक है तुम बहुत दयालु हो तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम लेटर का जवाब दोगे वेरी गुड बहुत बढ़िया चाहिए इंक भी पेपर भी सब है तुम्हारे पे पर उससे भी ज्यादा कुछ लगेगा अगर तुम्हें इसका रिप्लाई करना है राइट बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन यानी कि जो समाधान उसने निकाला था वो उस पर अटल रहा कि मेरे को मदद तो करनी ही है तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए पूछ लिया जाता है कि हाउ डिड दी पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो है कि कैसे उसने लंचो की मदद करी सो so, आप लिखोगे मनी सैलरी का भी पार्ट दिया बहुत सारे लोगों ने खुशी खुशी एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी की हम किसी अच्छे काम के लिए दे रहे हैं तो उन्होंने भी पैसे दे दिए तो उसने इकट्ठा करे बट तब भी बच्चों वो हंड्रेड पैसों से इकट्ठा नहीं कर पाया सबसे मांगने के बाद अपनी सैलरी से भी देने के बाद नहीं कर पाया ठीक है, फिफ्टी लिटिल मोर मतलब अराउंड सेवेंटी पैसोज उसने भेजे लेटर के अंदर सत्तर पैसो डाल दिए जितने उससे अरेंज हो पाए ठीक है अब क्या होता है बच्चों आगे अब उसने वो पैसे एनवेलप में डाले ठीक है विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड और उसके अंदर एक लेटर भी डाला पैसों के साथ लेटर पे कुछ नहीं लिखा था केवल गॉड लिखा था अब इससे हमें पोस्ट मास्टर का एक और क्वालिटी दिखती है कि भाई इसने क्रेडिट नहीं लिया है ना वो क्रेडिट नहीं लेना चाहता था अच्छे काम के लिए अगर आप किसी अच्छे काम के लिए क्रेडिट ले लो फिर वो क्या ही मतलब है ना तो उसने अपना नाम नहीं लिखा उसने एज अ गॉड ही लिखकर बस गॉड साइन कर दिए लेटर पे उसमें पैसे करके दे दिए जैसे लगे कि भगवान ने ही दिया

एक्सपीरियंसिंग यानी अनुभव करना क्या कंटेंटमेंट मतलब संतोष संतुष्ट यू you नो know, संतुष्ट हो, हो रहा था वो किस चीज के लिए कि उसने कुछ अच्छा काम किया है ठीक है कि मैंने गुड डीड यानी मैंने कोई अच्छा काम करा है लुक डॉन फ्रॉम हिस ऑफिस अपने ऑफिस से वो उसको देख रहा था कि चलो लेटर उसे मिल गया मैं संतुष्ट हूँ मैंने कुछ अच्छा काम किया मतलब उसे लग रहा था कि अब लेंचो खुश हो जाएगा बट हुआ क्या उल्टा शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज अब सोचो आपने भगवान को लेटर लिखा हो आपको वापस रिप्लाई आया हो शौक हो गया ना इसने किया। उसे नहीं था शौक। ना चलो से उसने लेटर दे भी दिया पर वो आदमी शौक ही नहीं है बच्चों कि ये मतलब कोई रिप्लाई भी करेगा उसको था कि रिप्लाई आएगा ही आएगा तो उसके चेहरे पे बिल्कुल भी स्लाइटेस्ट आश्चर्य नहीं था सरप्राइज ही नहीं था ठीक है इतना उसका कॉन्फिडेंस था भगवान के ऊपर इतना ज्यादा

इमिजिएटली मतलब तुरंत ही लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड लेंचो फटाफट -फड़ से दोबारा जाता है पोस्ट ऑफिस की विंडो पर ठीक है वही और बोलता है पेपर और पेन दो मेरे को अब पब्लिक राइटिंग टेबल पब्लिक राइटिंग टेबल मतलब ये देखो पीछे की साइड लोग जहां पर लिख रहे हैं ना खड़े होकर एक टेबल सा है तो वहां पर जाता है लेटर लिखने के लिए और वो क्या लिखता है विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो ब्रो मतलब आई ब्रो रिंकलिंग मतलब ऐसे शिकन आ जाए कुछ लिखना है ना कुछ गंभीरता से लिखना तो वो क्या करता है वो यहां पर बहुत ही ज्यादा यू नो ऐसे गंभीरता से लिखना शुरू करता है क्योंकि भाई उसका एफर्ट लगता है किसी से अगर हम गुस्से में है तो हम क्या करते हैं फेस पे दिखता है ना हमें बिल्कुल वैसे ही वो लिख रहा है तो उसके सारा ऐसे रिंकल आ रहा है बिकॉज ऑफ दैट ही लेटर लिखने में अब वो, वो जब वो फिनिश कर लेता है तो वो जाता है विंडो के पास करता है है? दोबारा, मतलब 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 ऐसे चिपकाना, मतलब ऐसे 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 चिपकाना, चाटना, को थोड़ा ऐसे के और लगाकर कर दिया, ठीक झटका, मुट्ठी, ऐसे मुट्ठी से मारके स्टैम्प को फिक्स कर देता है लेटर के ऊपर जैसे वो लेटर डाल के जाता है पोस्ट मास्टर फटाफट से जाता है उस लेटर को खोलने क्योंकि तो उसे लगता है भाई थैंक यू यूंक यू बोला होगा मैंने उसकी हेल्प करी है खुश होगा तो उसकी खुशी पढ़ने के लिए वो जाता है और वो क्या पढ़ता है बच्चों गॉड ऑफ द मनी दटर पोस्ट मास्टर पढ़ रहा है उसने क्या लिखा है और लेंचो ने क्या लिखा है कि भगवान जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे उसमें से केवल सेवेंटी पैसों से ही मेरे पास आए हैं सेंड मी द रेस्ट आप मुझे प्लीज बाकी बचे हुए पैसे भी भेज दो सिंस आई नीडेड वेरी मच क्योंकि मुझे उन पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है बट डों मेल बट आप मुझे इन लोगों के जरिए मत भेजना है ये ऐसे मेल के जरिए मत भिजवाइएगा लेटर के जरिए मत भिजवाइएगा क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी है इम्प्लॉय है ये क्या है बंस ऑफ क्रूप है और एंड में साइन करता है लंच ऑफ क्रूप मतलब ये लोग बदमाश है डिसऑनेस्ट है ईमानदारी है बेईमान लुक है और यही बच्चों हमारे चैप्टर की आयरनी है आयरनी क्या होता है जब हमने कुछ अनुमान लगाया हो और कुछ अपोजिट हो गया हो कुछ उल्टा हो गया हो, उसको बोलते हैं आयरनी, है ना कि हम उम्मीद किसी चीज की कर रहे हो और हो कुछ और गया तो जिन लोगों ने उसकी मदद करी उन्हीं लोगों को उसने बंच ऑफ प्रूफ बोला ईमानदार जो लोग थे उन्हीं को बेईमान बोला ये हमारे चैप्टर की आयरनी है और यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म ठीक है सो आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा एक बार क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन आपकी एनसीआर बुक का है अच्छा हाँ मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दूंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगी बिल्कुल फ्री टेलीग्राम पे वीडियो भी लाऊंगी बट ऑब्वियसली जैसे पेपर पास आएगा तो उस चीज से आप बेफिक्र ना अभी के लिए आप एनसीआरटी का वन शॉट जो समझाए वो इंटेक्स जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं बताती गई हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है उन्हें ध्यान में रखो और ये जो अभी करा रही हूँ उन्हें याद करो इतना आप लोग करते जाओ मतलब जैसे जैसे मैं वीडियो डाल रही हूँ ना वैसे वैसे अगर आप लोग पढ़ोगे अगर अभी तक आपने इंग्लिश को छुआ भी नहीं है और अगर आप वैसे वैसे, वैसे पढ़ोगे तो ट्रस्ट मी चाहे आपका हाफ ईयरली हो चाहे आपका प्री बोर्ड हो चाहे बोर्ड हो मचा दोगे बस वैसे वैसे पढ़ते जाओ और टेंशन छोड़ देना प्रीवियस ईयर कहाँ से ढूंढे सैम्पल पेपर कहाँ से ढूंढे मैं करा दूंगी ठीक है क्वेश्चन नंबर वन इन लेंचो का पूरा विश्वास किस पे है और कुछ सेंटेंसेस बताने हैं आपको जो ये दर्शाते हैं So, लेंचो का कंप्लीट भैया भगवान 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 पे पे है है कि कि को सब पता है और भगवान हमारी हमारी प्रॉब्लम में मदद भी करते हैं कुछ यहां पे आपको चैप्टर से ही सेंटेंसेस जो मैंने लिख दिए हैं जिससे हमें लेंचो का फेथ पता चलता है जैसे कि गॉड ही रोट इफ यू ये चैप्टर की लाइन है इससे हमें पता चल रहा है कि हाँ उसका भरोसा है भगवान पे दूसरा

लेंचो को पैसे क्यों भिजवाए और उसने गॉड करके क्यों साइन करा लेटर को सो द पोस्ट मास्टर उसने इसलिए भिजवाया फेथ है भगवान पे वो बिल्कुल सेम रहे ऐसा ही रहे लेंचो का फेथ जैसा अभी था। When the जब पोस्ट पढ़ता है लेंचो का लेटर राइट तो वो नहीं चाहता कि लेंचो का जो भरोसा है जो विश्वास है वो भगवान के ऊपर से डगमगाए राइट सो ड नॉट वांट टू शेक एंड डिसाइड टू आंसर ही कलेक्ट मनी हेल्प ऑफ पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉज एंड गॉड तो वो डिसाइड करता है वो लेंचो की मदद करेगा वो पैसे कलेक्ट करता है अपने दोस्तों की मदद से पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं उनकी मदद से ठीक है किसके बिहाफ पे गॉड के बिहाफ पे कि जैसे भगवान ने पैसे भिजवाए हो और वो साइन करता है क्या साइन करता है गॉड लिख देता है ताकि जो लेंचो का फेथ है वो हिले ना ज नॉट गेट शेक क्लियर समझ में आ गया ये ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट डेड लेंशो ट्राई टू फाइंड आउट हुड मनी टू हिम वाई वाई नॉट क्या लेंचो ने कोशिश करी ये पता लगाने की कि किसने कि उसे पैसे भेजे हैं अगर हाँ तो क्यों ना तो क्यों तो ऑब्वियसली लेंशो ने बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी क्यों क्योंकि ही हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड क्योंकि उसका भगवान पे ही इतनी ज्यादा श्रद्धा है इतना ज्यादा फेथ है कि उसने कोशिश करी ही थी है ना उसे मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि ये पैसे किसी और ने भेजे क्योंकि obviously, अगर उसके दिमाग में ये थॉट होता कि ये पैसे किसी और ने भेजे तभी तो बच्चों वो कोशिश करता तो उसने नहीं करी। क्यों नहीं करी करी क्यों ही कुड कुड नॉट बिलीव दैट इट बी अदर उसे हाई यकीन कोई और उसकी मदद करेगा भगवान के अलावा हिज फेथ इन गॉड उसका जो बिलीव था भगवान पे वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसे लगा कि भगवान ने ही उसे पैसे भेजे हैं उसकी मदद करने के लिए टू हेल्प हिम इन हिज ठीक है, मनी द आयरन इन सिचुएशन लेंचो को क्या लगता है कि जो पैसे नहीं आए उसपे जो तीस पैसों नहीं आए उसपे वो किसने लिए और इस सिचुएशन की आयरनी क्या है बच्चों ये बताना है। मनी क्लियर आंसर ठीक है लेंचो को लगता है कि पोस्ट ऑफिस उन्होंने उसके पैसे ले लिए हैं क्योंकि उसने हंड्रेड पैसोज मांगे थे और उसे कितने मिले सेवेंटी पैसोज मिले हैं लेंचो लेंचो गॉड नॉट मेक सच मिस्टेक के अनुसार भगवान ऐसी गलती कर ही नहीं सकता तो उसने अनुमान लगा लिया कि भाई इन्हीं लोगों ने उसके पैसे चुराए हैं अब आयरनी क्या है सिचुएशन में अभी, अभी मैंने आपको बताया था आयरनी क्या होता है सो द आयरनी इन द सिचुएशन इज दैट लेंचो डाउट ऑन दोस पीपल हु हेल्प देम इन दिस प्रॉब्लम कि लेंचो ने उन्हीं लोगों पे शक किया जिन लोगों ने उसकी प्रॉब्लम में मदद करी एंड कोशिश करी कि उसका जो फेथ है अलाइव मतलब जिंदा रहे भगवान में लेंचो ने उन्ही लोगों पर शक करा और यही हमारी आयरनी है ठीक है बच्चों, चलो लास्ट क्वेश्चन दो तरीके के कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाइयां हमने देखी कहानी में एक लड़ाई देखी इंसानों की और प्रकृति की नेचर की एक लड़ाई देखी इंसानों की खुद में ही है ना तो आपको एक्सप्लेन करने दोनों लड़ाइयां तो अगर हम पहली लड़ाई की बात करते हैं बेटा यानी कि एंड नेचर की लड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन ह्यूमन ह्यूमन एंड नेचर ये 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 कैसे कैसे दिखाया गया है? ये दिखाया गया गया है 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 ओलो हेल के द्वारा ना और प्रकृति की लड़ाई की ह्यूमन हो गया लेंचो और नेचर मतलब ये तूफान ये तूफान आया और इसने लेंचो की सारी फसल को खराब कर दिया है ना लेंचो क्या कर रहा था एक्सपेक्ट उम्मीद कर रहा था एक अच्छी बारिश की ताकि उसे अच्छा हार्वेस्ट मिले उसे अच्छा मुनाफा हो है ना उसे उसकी अच्छी अर्निंग आए उसने बहुत ज्यादा मेहनत भी करी थी राइट इस चीज के लिए अपनी फैमिली का पेट भरने के लिए बट नेचर क्या हो गया हिंसा पे उतर आया वायलेंट हो गया नेचर एंड नेचर ने सारी चीजें डिस्ट्रॉय कर दी तो इससे हमें कॉन्फ्लिक्ट पता चलती है और नेचर की ठीक है अगर हम ह्यूमन और ह्यूम की कॉन्फ्लिक्ट देखें तो यहाँ पर क्या है देखो बिटवीन ह्यूमन एज द दोस्ट मास्टर विद्रेंड एंड एम्प्लॉय पोस्टमास्टर ने क्या किया अपने फ्रेंड्स की मदद से अपने इंप्लॉयज की मदद से लेंचो को पैसे भिजवाए जो लेंचो ने भगवान से मांगे थे वो लेंचो को जानते भी नहीं थे है ना दे डिडंट इवन नो लेंचो बट तब भी उन्होंने उसकी हेल्प करी और लेंचो ने क्या करा इन रिटर्न ब्लेम देम फॉर टेकिंग सम अमाउंट ऑफ मनी ठीक है तो इससे क्या दिखते हैं कि इंसान को ही इंसान पे भरोसा नहीं है लेंचो ने क्या बोला उन्हें बंच ऑफ क्रू सो दिस शोज दैट मैन नॉट हैव फेथ इन अनदर है ना इससे क्या दिखता है कि एक इंसान कोई दूसरे इंसान पे भरोसा नहीं तो इससे ये दो कॉन्फ्लिक्ट हमें स्टोरी में नजर आती है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर ये आंसर बड़ा लग रहा है तो पहले इतना याद कर लेना फिर इतना याद कर लेना ठीक है बच्चों आंसर खुद से नहीं बना के लिख सकते क्या मैम देखो यार सिंपल सा आंसर है इस चीज का आप आंसर तभी बना के लिख सकते हो जब आपको उस उस स्ट्रक्चर का पता चल जाए तो आंसर याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है ये नहीं खाली समरी सुन ली मैं हर बार बोलती हूँ बार बार इसलिए बोलती हूँ एक बार क्योंकि मुझे फिक्र है तुम लोगों की वरना एक बार बोल के मैं छोड़ भी सकती हूँ राइट right? आप जब ये चीजें याद कर लोगे ना आपको पता चल जाएगा ये वाली लाइन पहले लिखनी है नहीं तो कुछ बच्चे ये ऊपर लिख देते हैं नीचे कर देते हैं वो मैसी लगता है तो जब आपको पांच सात आठ दस क्वेश्चन याद होंगे तो आप ग्यारह खुद से बना के लिख पाओगे क्योंकि इनफ कंटेंट आपके दिमाग में होगा इनफ इंग्लिश आपके दिमाग में होगी कि हाँ वहां से एक लाइन में यहां लिख दू इसलिए याद करना बहुत जरूरी है अभी के लिए इतना याद करो जो कर लोगे तो डन करना कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताना आज की क्लास कैसी लगी टेलीग्राम का लिंक है फटाफट पड़ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो डिस्क्रिप्शन है ताकि मैं ये पीपीटी वहीं भेज दो उससे याद कर लेना और भी क्वेश्चन लाऊंगी आपके हाफ ईयरली प्री बोर्ड और बोर्ड के लिए तो आप लोग चैनल से बने रहो इफ यू आर न्यू टू द चैनल डू सब्सक्राइब जल्दी जल्दी वीडियोस आएंगे और आपके सारे चैप्टर्स मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी चैप्टर नंबर टू पे एंड मैं बहुत जल्द लाइव आऊंगी जैसे मैंने बोला तो चैनल से कनेक्टेड रहना एंड आई सी यू एस नेक्स्ट टाइम थैंक यू सो मच एवरी अगर आपके कोई सजेशन है